सो है एवरीवन, स्वागत है सभी का फिर से एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा एंड सिखाऊंगा कि एप्सॉन इको टैंक L3210 है दोस्तों, एप्सॉन इको टैंक L3250 दोस्तों, एल सीरीज का जितने भी इको टैंक का मॉडल होती है एप्सॉन का दोस्तों, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो रेड सिग्नल ब्लिंकिंग करती है दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि रेड सिग्नल रेड लाइट जो ब्लिंकिंग करती है वो किस किस वजह से ब्लिंक करती है दोस्तों। ये जो प्रॉब्लम है आप लोग पीछे देख सकते हैं, इस प्रॉब्लम को मैं 100% सोल्यूशन आप लोगों को दिखाऊंगा एंड दोस्तों सिखाऊंगा। अगर आप लोग अपने घर बैठे प्रिंटर को सही या ठीक करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। अगर आप लोग इस वीडियो का अंत तक देखते हैं तो दोस्तों आप लोग एप्सॉन का एल सीरीज का जितने भी मॉडल का प्रिंटर होती है आप लोगों को पता चल जाएगा रेड सिग्नल किस वजह से ब्लिंक करते हैं और दोस्तों कैसे ठीक करते हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं एंड सिखाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये जो प्रिंटर है इसको हम ऑन किए हुए लगभग 10 सेकंड से ज़्यादा हो चुकी है, अभी भी दोस्तों पावर लाइट ब्लिंक कर रहा है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों 10 या 15 सेकंड बाद दोस्तों रेड लाइट ब्लिंक किया है। जो हमारा स्कैनर है वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है जगह से और दोस्तों कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है स्कैनर से। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, ज़्यादातर ज़्यादा दोस्तों अगर आप लोग प्रिंटर ऑन करने के मतलब 10 या 15 सेकंड बाद दोस्तों आप लोगों का रेड सिग्नल ब्लिंक करता है, इसका मतलब दोस्तों आप लोगों का जो प्रिंटर का जो स्कैनर है उसका प्रॉब्लम हुई है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहे, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि कैसे इस प्रिंटर का जो प्रॉब्लम है स्कैनर एरर का प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, सामने जो दो स्क्रू है जिसको हमने दिखाया उस स्क्रू को दोस्तों आप लोग कुछ भी स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं। तो सबसे पहले पावर केबल को हमने डिस्कनेक्ट कर दी प्रिंटर से, उसके बाद दोस्तों हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है उसके मदद से हम क्या करेंगे, दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा स्क्रू ड्राइवर से हम लोग स्क्रू को खोल लिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ से लॉक होती है दोस्तों। आप लोग चाहे तो यहाँ से आप लोग प्रिंटर को अनलॉक कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप लोग ये जो साइड कवर है इसको भी आप लोग खोल के दोस्तों इसको निकाल सकते हो। साइड कवर को खोलना बहुत ही ईजी है, साइड से बिल्कुल स्लाइस करने से दोस्तों देख सकते हैं मतलब धीरे से इसको खींचना पड़ता है, उसके बाद जो इसका जो लॉक है वो खुल जाती है दोस्तों। यहाँ पर एक नाट होती है जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर एक नाट है, स्क्रू है, तो इसको भी हम क्या करेंगे स्क्रू ड्राइवर के मदद से इसको भी यहाँ से खोल लेंगे दोस्तों। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों जो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ दोस्तों, आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। आप लोग अगर अपने घर पर या दुकान में करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल ईजी जो है हमारा स्कैनर खोल के आ चुकी है और साइड कवर भी खुल चुके हैं सिर्फ दोनों नाट को खोलने के बाद ही दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसका जो कवर है मतलब इसका जो लॉक है इसको यहाँ से अनलॉक करेंगे, तो देख सकते हैं अनलॉक करना भी बहुत ही ईजी है। तो अभी क्या करेंगे, हमारा जो स्कैनर का केबल है दोस्तों जो मदर मतलब लॉजिक बोर्ड में लगा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इसको डिसकनेक्ट करेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जो स्कैनर का जो केबल है इसको हम डिसकनेक्ट करते हैं, देख सकते हो दोस्तों जो काफ़ी ईजी एंड आसान है। इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को लगाना दिखाऊंगा कैसे इसको सेट करना पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो स्कैनर है जो जो हम रेड सिग्नल आ रही है दोस्तों वो बिल्कुल इस स्कैनर के वजह से आ रही है। तो चलिए इस स्कैनर को हम लोग अभी आप लोगों को खुल के दिखाते हैं। तो अभी जो हमारा स्कैनर का दोस्तों चारों तरफ स्क्रू है दोस्तों, आप लोग सबसे पहले स्क्रू को बिल्कुल इजी एंड आसानी से खोल लीजिए। जो देख सकते हैं दोस्तों हम जो इसका जो स्कैनर का स्क्रू है इसको खोल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी है इस स्क्रू को खोलना दोस्तों। आप लोग अपने घर पे बिना फिक्र किए बिना टेंशन किए दोस्तों आप लोग इस प्रिंटर को खोल सकते हैं जो काफ़ी आसान है। एप्सॉन का प्रिंटर सर्विस करना बहुत ही आसान है दोस्तों, ज़्यादातर ज़्यादा लोग अपने घर पर या अपने शॉप पर ही ठीक कर लेती है इसका जो प्रॉब्लम होती है। तो देख सकते हो दोस्तों सभी स्क्रू को हमने बिल्कुल बराबर से खोल लिए और दोस्तों अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक ट्वीजर के मदद से या दोस्तों आप लोगों के पास अगर चाकू है तो चाकू के मदद से भी दोस्तों इसका लॉक को अनलॉक कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम कर रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं जो काफ़ी आसान है इसको अनलॉक करना, तो हम क्या करेंगे ट्वीजर के मदद लेंगे दोस्तों, जो हमारा ट्वीजर है उसके मदद से देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही इसका जो लॉक है इसको अनलॉक कीजिए बहुत ही आसानी से। देख
सकते हैं जो हम अनलॉक कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो को देख के आप लोगों को कुछ भी हेल्प होता है तो दोस्तों आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके बताइए वीडियो को मेरे को कैसा लगा, मतलब कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसे लगा। तो देख सकते हैं ट्विजर के मदद से बिल्कुल इजी एंड आसानी से जो हमारा स्कैनर का अनलॉक है वो अभी अनलॉक को हम खोलने वाली है। देख सकते दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा लॉक होती है जिसको आप लोगों का हल्का प्रेशर देने के बाद ही दोस्तों खुलती है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा स्कैनर अभी खोलने वाली है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो को कैसा लगे। तो देख सकते हैं स्कैनर अभी खुल चुके हैं जो है हमारा जो ये वाला स्कैनर है यहाँ पर लॉक हो चुकी है। तो इसको हम क्या करेंगे खींच के से यहाँ पर सेट कर देंगे और तो इसको साइड में रखते हैं। सबसे सबसे पहला वाला जो हमारा काम होगा वो है इसका जो शीशा, मतलब इस स्कैनर का जो शीशा होती है जो कांच होती है दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से भी रिमूव करेंगे। देख सकते हैं चारों तरफ लॉक किया हुआ है दोस्तों। इसको अनलॉक करना बहुत ही ईजी है दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो आप लोग आराम से इजी इसको अनलॉक कर पाएंगे दोस्तों। आप जब भी स्कैनर को खोलेंगे तब इसको देख के आप लोगों को मालूम चल जाएगा दोस्तों कहाँ से इस शीशे को उतारना, मतलब खोलना पड़ती है। तो देख सकते हो बहुत इजी एंड शीशे को हमने खोल चुके और इसमें काफ़ी सारा धूल लगा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे एकदम फ्रेश कपड़ा, मतलब फ्रेश कपड़ा लेके इसको हम ठीक से पोंछ लेंगे दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों हमारे पास जो एक कपड़ा है इसके मदद से हम लोग इस शीशे को बिल्कुल क्लीन कर चुके हैं और काफ़ी आसान है दोस्तों इसको क्लीन करना। आप लोग देख सकते हैं आप लोग कुछ भी कपड़ा देके इसको क्लीन कीजिए ठीक ठाक से। क्लीन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा स्कैनर को। सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये रहा, ये स्कैनर का सेंसर होती है जो स्कैनर का सेंसर में धूल वगैरह होने से हमारा जो स्कैनर है वो साइड में आके लॉक हो जाती है और हमारा जो रेड लाइट का जो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है वो दिखाई देता है दोस्तों। जो रेड लाइट ब्लिंकिंग होता है जब दोस्तों आप लोगों का इस तरह का रेड लाइट ब्लिंकिंग होगा तब आप लोग कंप्यूटर से प्रिंट करना मतलब बिल्कुल आसानी से प्रिंट हो जाता है पर जेरोक्स नहीं होता है। जब आप लोगों का स्कैनर एरर का प्रॉब्लम आएगा मतलब एप्सॉन का 32 सीरीज में, जैसे कि दोस्तों 3210 होता है, 3250 होती है, 3256 होता है, 3215 होता है, सभी में स्कैनर एरर का अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा तब दोस्तों आप लोग कंप्यूटर से प्रिंट कर सकते हैं और दोस्तों जेरोक्स नहीं होगा। सिर्फ जेरोक्स नहीं होगा, रेड लाइट ब्लिंकिंग करेगा कि लेकिन आप लोग कंप्यूटर से फ़ोटो वगैरह प्रिंट आउट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो स्कैनर का कांच था उसको हम बिल्कुल फिट कर चुके हैं। अभी हमारा जो स्कैनर यूनिट है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वेज़लिंग लगाना पड़ता है। अगर आप लोगों का घर में वेज़लिंग वगैरह है तो दोस्तों इसमें अगर आप लोग चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों जो भी है वेज़लिंग पहले से लगा हुआ होते ही दोस्तों उसको आप लोग ठीक से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग कुछ भी मतलब स्कैनर को बिल्कुल मिडिल में फिट कर दीजिए। फिट करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करेंगे हमारा जो स्कैनर जो ऊपर वाला जो पर्सन है मतलब ये वाला स्कैनर इसको सिंपली आप लोग ऊपर से बिठा देना है जो काफ़ी आसान है, बिल्कुल बिल्कुल इजी लॉक हो जाती है। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल इजी आप लोग इसको स्कैनर को बिल्कुल इजी से बैठा देना है, बिल्कुल इजी। देख सकते हैं जो हमारा स्कैनर है अभी लॉक हो चुकी है बिल्कुल। आप लोग फिर भी एक बार ट्राई कीजिए, मतलब देख लीजिए लॉक ठीक से हुआ है कि नहीं। देख सकते दोस्तों बिल्कुल यहाँ से साइड में देख के आप लोगों को मतलब हल्का प्रेशर करने से आप लोगों का स्कैनर लॉक हो जाएगा। तो अभी हमारा जो स्कैनर है वो बिल्कुल लॉक हो चुकी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे सिंपली स्क्रूस को सभी स्क्रू का हम स्कैनर में लगा दे रहे हैं। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल इजी से आप लोग स्क्रू को लगा दीजिए, बहुत ही आसान है। आप लोग ये जो हमने काम दिखाया आप लोगों को, अगर आप लोगों का इस तरह का रेड लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों बिल्कुल सेम तरीके से आप लोग कीजिए, आपका जो प्रिंटर का प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। मतलब आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग इस प्रॉब्लम को लेके किसी भी शॉप में ले जाती है तो दोस्तों लगभग आप लोगों को पास से 500 मतलब 500 रुपीस जो दुकानदार है वो आप लोगों को पास ले लेगा दोस्तों। देख सकते हैं
अगर आप लोग खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों आप लोग 500 रुपया या 300 रुपया आप लोग बिल्कुल बचा सकते हैं, जो इजी काफ़ी आसान है जो हमने आपको दिखाया। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी जो ये जो है साइट का लॉक है, मतलब हमारा जो स्कैनर का लॉक है जो बिल्कुल ऊपर बैठती है दोस्तों, इस लॉक को आप लोग कहाँ बैठाएंगे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से, नहीं दोस्तों अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों साइट कवर में लॉक है उसमें आप लोग बैठा देना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो स्कैनर है जो हमने सेट किया है इसको हम ट्राई करके, मतलब ट्रायल दे के देखते हैं जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो दोस्तों स्कैनर को बिल्कुल आराम से बैठाना बैठाना बहुत ही आराम से हो जाता है। तो उसके बाद दोस्तों इसका जो केबल है देख सकते हैं, केबल लॉजिक बोर्ड में आप लोग ठीक से धीरे लगाना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग केबल लगाने वक्त मतलब कुछ भी मतलब उल्टा सीधा करते हैं केबल के साथ दोस्तों, तब केबल जो है डैमेज होने का चांसेस रहती है। जो दोस्तों अगर आप लोग ठीक से लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों इस केबल को लगाना भी बहुत ही इजी एंड आसान है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इजीली घुस जाती है, इसका जो जाम्पर की तरफ होती है दोस्तों, मतलब जाम्पर की तरह होती है जो काफ़ी आसानी से इसका बोर्ड में जो पॉइंट है केबल आराम से लग जाती है। बिल्कुल इजी एंड आसानी से आप लोग तीनों तीनों केबल को लगा दीजिए लगाने के बाद दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ जो हमने जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पावर बटन को प्रेस करके हमने प्रिंटर को ऑन कर चुके हैं और हमारा जो प्रिंटर है वो अभी ऑन हो रहा है देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब तक प्रिंटर ऑन होती है तब तक दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसे लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देख सकते हैं दोस्तों स्कैनर जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली अभी काम कर रहा है, मतलब देख सकते हैं बिल्कुल इसमें लाइट वगैरह आ रही है, और स्कैनर जो हमने मिडिल में बिल्कुल सेंटर में रखी थी जो अभी एकदम कॉर्नर में आ चुकी है, और हमारा जो प्रिंटर है वो भी रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो पावर वाला लाइट है वो बिल्कुल रुक चुकी है। तो अभी क्या करेंगे आप लोगों को, अभी इस यहाँ से एक जेरोस करके दिखाते हैं कि हमारा जो प्रिंटर जो था वो जो हमारा अभी जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वो बिल्कुल सॉल्व हुआ कि नहीं। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग यहाँ पर एक लो एक पेज जेरोक्स पेज दीजिए, देने के बाद आप लोगों को जेरोक्स करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर जेरोक्स पेज को देते हैं, और दोस्तों जेरोक्स पेज देने के बाद दोस्तों यहाँ पर पेपर एडजस्ट करना भी बहुत ही मतलब पेपर एडजस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको ही हम लोग जेरोक्स करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी क्या करेंगे, एक जेरोक्स वाला बटन को हम लोग एक बार प्रेस करते हैं और हमारा जो पावर वाला लाइट है वो ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देती है, और दोस्तों ब्लिंकिंग करने के तुरंत बाद हमारा जो जेरोक्स है वो बिल्कुल जेरोक्स हो जाती है। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल हमारा जो प्रिंटर का प्रॉब्लम था वो बिल्कुल 100% सॉल्व हो चुकी है। तो अभी चलिए इस प्रिंटर को बिल्कुल प्रॉपरली से पहले पहले जैसा सेट था बिल्कुल सेट करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटर को पावर को ऑफ करेंगे और उसके बाद पावर केबल को डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अभी आप लोगों को इस साइड कवर को लगाना आप लोगों को दिखाते हैं जो काफ़ी आसान है। तो साइड कवर लगाने से पहले दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारा जो साइड कवर है उसको हम ठीक से कपड़े से पोंछ लेते हैं, मतलब इसमें धूल वगैरह लगा हुआ है इसको क्लीन कर लेते हैं। अगर आप लोग प्रिंटर खोलते हैं तो दोस्तों को अगर धूल वगैरह होता है तो उसको ठीक से क्लीन कर लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो लॉक है दोस्तों, इस लॉक को आप लोगों को सिंपली यहाँ पर बिठाना है जो काफ़ी आसान है दोस्तों। अगर आप लोग इस लॉक को अगर हाथ में लेती है जो साइड कवर में लगती है, अगर आप लोग एक बार देखेंगे तो भी लगा सकते हैं दोस्तों। इस लॉक को लगाने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर एक स्क्रू होता है, जिस स्क्रू को हमने सबसे पहले खुली थी मतलब खोला था। तो अभी क्या करेंगे, अभी स्क्रू के मदद से दोस्तों हम स्क्रू ड्राइवर से इस लॉक को यहाँ पर फिट कर देंगे। फिट करने के बाद दोस्तों तुरंत बाद हम लोग साइड कवर को यहाँ पर लगा देंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो जो स्क्रू है प्रिंटर का जो स्क्रू है अभी हम बिल्कुल साइड कवर में लगाते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ईजी एंड आसान है दोस्तों। अगर आप लोग देखेंगे मतलब ट्राई करेंगे तो बिल्कुल 100% आप लोग काम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो साइड कवर है वो बिल्कुल लॉक को हम लोग लगा दी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बिल्कुल नीचे से आप लोगों को इसको अनलॉक करना पड़ती है। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान है इसको अनलॉक करने के बाद दोस्तों, लॉक करना भी आसान, नीचे से बिल्कुल ऊपर तक आप लोगों को ले जाने के बाद दोस्तों बहुत ही सिंपली से आप लोग लगा सकते हैं। देख सकते दोस्तों हमारा जो कवर है यहाँ पर थोड़ा सा
जो लॉक है इसको थोड़ा सा प्रेशर दे के यहाँ पर खींचना पड़ते, तो हमारा जो लॉक है वो जो अनलॉक था वो लॉक हो चुके हैं। तो इसको जो स्कैनर का अनलॉक है यहाँ पर सिंपली से लगा देते हैं, तो देख सकते हैं हमारा जो प्रिंटर है वो बिल्कुल लॉक हो चुकी है अभी। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपली से हमारा जो प्रिंटर है वो लॉक हो चुकी है। तो अभी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो प्रिंटर का जो पावर है इसको पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद दोस्तों फिर से एक जेरोस करके आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा जो प्रिंटर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो जो चलिए दोस्तों सेम पेपर को हम जेरोस के लिए देते हैं। तो अभी क्या करेंगे, एक ब्लैक एंड व्हाइट वाला एक स्विच दबाते हैं और हमारा जो प्रिंटर है वो तुरंत जेरोस करना स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को देख के आप लोग अगर आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसे लगे, और दोस्तों चैनल पर जो नया है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।